नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित वीडियो सीरीज के इस भाग पर हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के चैप्टर 11 पर बात करेंगे, जो कि आधारित होगा छत्तीसगढ़ में विद्युत एवं आधारभूत संरचनाओं पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले हम इस जानकारी पर नजर डालते हैं। पहली जानकारी आधारित है GSDP में या सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति के योगदान को लेकर। और ये योगदान जो होगा वो स्थिर भाव पर होगा। स्थिर भाव, प्रचलित भाव, इन दोनों के बीच क्या अंतर है ये आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इमेज। प्रश्न देख लेते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति का योगदान प्रतिशत वृद्धि में, प्रतिशत वृद्धि की बात हो रही है, विगत 3 वर्षों में प्रवृत्ति रही है। प्रश्न इस तरीके के जो पूछे जाते हैं, या तो समूचे वर्षों के प्रवृत्ति पर पूछा जाता है या फिर 3 वर्षों के प्रवृत्ति पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 3 वर्षों की प्रवृत्ति पर आधारित है। तो 3 वर्षों पर अगर हम जाएं तो ये 3 वर्षों का कॉलम यहां पर दिख रहा है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि हम देखते हैं तो देखिए पहले क्या यहां पर दिखता है। 2017-18 पे जो प्रतिशत वृद्धि थी वो 13.06% थी। 2018-19 में ये प्रतिशत वृद्धि 5.65% हो गई और फिर उसके बाद और गिर गई, ये 3.01% रह गई। तो आप प्रवृत्ति देख रहे होंगे कि लगातार ये प्रतिशत वृद्धि गिरते जा रही है। तो इस आधार पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा निरंतर घटने की, जो कि दिखता है ऑप्शन बी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन की क्षमता और उत्पादन पर जानकारी देखने वाले हैं। प्रश्न यहां पर ऑलरेडी दिख रहा होगा आपको, पहले जानकारी देख लेते हैं, क्वेश्चन साथ ही साथ यहां पर लेते चलेंगे। ठीक है, चलिए। विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन, स्थापित क्षमता अर्थात इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, इमेज में आप देख रहे होंगे कि राज्य के स्थापना के समय यह जो क्षमता थी विद्युत उत्पादन की, स्थापित क्षमता, वह 1360 मेगावाट थी। लेकिन वर्तमान में यह सितंबर 2019 तक के आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, अर्थात सितंबर 2019 तक आर्थिक सर्वेक्षण पर यह उल्लेख किया गया है कि यह विद्युत स्थापित क्षमता कितनी हो गई है, 3224.70 मेगावाट। इसके पहले था 3424 मेगावाट, लेकिन फिर उसके बाद 200 जो मेगावाट का जो इकाई था उसे डीकमीशन किया गया और उसके बाद ये 3224.70 मेगावाट रह गया। अब इसमें ताप विद्युत का कितना है, तो 3080 मेगावाट। तो ताप विद्युत का कितना है, 3080 मेगावाट। जल विद्युत की क्षमता कितनी है, तो 138.7 मेगावाट। तो जल विद्युत का आप देखेंगे बी का 3, और अन्य में आप देखेंगे इंस्टॉल कैपेसिटी 6 मेगावाट। तो ए का 1, बी का 3, तो ए का 1, बी का 3, ये आपको सही उत्तर कहां पर दिखेगा, ऑप्शन बी पर। ठीक है, आपने यहां पर क्षमता तो देख ली, लेकिन अब यहां पर उत्पादन पर भी बात कर लेते हैं कि वर्ष वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान उत्पादन क्या क्या हुआ। तो देखिए, तापीय जो आपका विद्युत होगा उसका उत्पादन यहां पर दिख रहा होगा 21,275 मिलियन यूनिट। जलीय उत्पादन आप देख रहे होंगे 268.809 मिलियन यूनिट। ठीक है, अन्य सह उत्पादन जो विद्युत उत्पादन हुआ वह दिख रहा है 6.087 मिलियन यूनिट। तो इस प्रकार से जो टोटल उत्पादन हुआ, जो विद्युत उत्पादन हुआ वर्ष 2018-19 के वित्तीय वर्ष में, वह है 21,550.618 मिलियन यूनिट। तो यहां पर आपने क्षमता देखी और यहां पर आपने देखा उत्पादन वित्तीय वर्ष 2018-19 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस इमेज पर हम नजर डालते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आप इंस्टॉल कैपेसिटी देख रहे हैं वो कहां कहां पर कितना कितना इंस्टॉल्ड है, वो सारी जानकारी इसी इमेज में दी गई है। देखिए यहां पर दिया गया है 3424.70, लेकिन जो ये कोरबापुर विद्युत गृह क्रमांक 2 है इसे डीकमीशन कर दिया गया और ये 200 क्या हो गया, कम हो गया, और अभी वर्तमान में 3224.70 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी रह गई इलेक्ट्रिसिटी की छत्तीसगढ़ में। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, एक दूसरा पैटर्न है ये। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबापुर का परिचालन वर्ष है,
इस कॉलम पर आप परिचालन वर्ष देख रहे होंगे हर प्रकार के विद्युत गृह का, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, और इसका परिचालन वर्ष दिखता है वर्ष 2007। इंस्टॉल कैपेसिटी यहां पर क्या है, 500 की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 500 मेगावाट की, तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2007 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राम विद्युतीकरण पर आधारित कुछ जानकारी हम देखेंगे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर। दिनांक 3/9/2019 की स्थिति में प्रदेश के 100% ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूरल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। अब यहां पर यह जानकारी दिख रही है, कुल ग्राम जनगणना 2011 के अनुसार कितने हैं छत्तीसगढ़ में, तो 19,567 ग्राम, ठीक। वर्ष 2018-19 तक विद्युतकृत ग्राम, तो ये भी उतने ही होंगे अगर 100% आपने यहां पर लिखा है तो। अब इसमें से 18,250 ग्राम जो होंगे वो परंपरागत तरीके से विद्युतकृत हुए हैं, 1,317 जो ग्राम है वो अपरंपरागत तरीके से विद्युतीकृत हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य में वर्ष 2018-19 तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या है, तो जितने ग्राम है जनगणना 2011 के अनुसार उतने ही ग्रामों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, क्योंकि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पंपों का ऊर्जीकरण, ये देखिए अब जो ये जानकारी जितनी आप देख रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है। ग्रामीण क्षेत्र अगर आप कह रहे हैं तो पंपों का ऊर्जीकरण दिखेगा, साथ ही साथ आप देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिफिकेशन की योजना चलाई जा रही है उससे संबंधित आंकड़े देखेंगे, तो ये सारी चीजें आप देखते चलेंगे। देखिए पंपों का ऊर्जीकरण, समय अवधि, ऊर्जीकृत पंप, तो राज्य गठन के पूर्व जब राज्य नहीं बना था तब कितने पंप इलेक्ट्रिफाइड थे, तो 73,369 कृषि पंप ऊर्जीकृत थे, इलेक्ट्रिफाइड थे, ठीक है। दिनांक 3/9/2019 में 4,26,894 कृषि पंप इलेक्ट्रिफाइड हैं। देखिए इतना इजाफा हमने कर लिया, इतना डेवलपमेंट हमने कर लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से दी गई है कि राज्य के पूर्व कितना था और अब कितना है, तो एक प्रकार से ये आपकी उपलब्धि को दिखा रहा है, ये तुलनात्मक जो आंकड़े होते हैं यह आपके अचीवमेंट को शो करता है, और जब भी अचीवमेंट की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रकार का अचीवमेंट है, एक प्रकार की उपलब्धि है और आपके एफर्ट का रिजल्ट भी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है और इसलिए इसे याद भी रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य में दिनांक 3/9/2019 की स्थिति में कुल ऊर्जीकृत पंपों की संख्या है, तो सही उत्तर अभी मैंने बताया जो कि दिखता है ऑप्शन ए में, 4,26,894 कृषि पंप। आगे बढ़ते हैं, कृषक जीवन ज्योति योजना, यह ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना में पात्र कृषकों को कृषि पंप में बिजली बिल में छूट दी जा रही है, ठीक है। क्या है योजना, सेकंड स्टेटमेंट में आप समझ पा रहे होंगे कि इस योजना में जो कृषक होंगे, पात्र कृषक होंगे, एलिजिबल फार्मर्स होंगे, उनको कृषि पंप में जो बिजली बिल आता है, कृषि पंप यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और उस इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन से जो बिल आता है उस बिल में छूट मिलता है। कितना छूट मिलता है, तीसरे स्टेटमेंट में है कि 3 अश्वशक्ति तक के बिजली बिल में 6,000 यूनिट प्रति वर्ष, और 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पंप के बिजली बिल में 7,500 यूनिट प्रति वर्ष ये छूट मिलता है, इतना यूनिट की छूट है। क्वेश्चन कथन आधारित क्वेश्चन है ये, चुनना क्या है यहां पर, असत्य कथन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सत्य नहीं असत्य है। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2009 से हुई, तो ये तो भाई सत्य है, तो सही उत्तर के अंदर तो नहीं आएगा। योजना अंतर्गत 3 अश्वशक्ति के 6,000 यूनिट प्रतिवर्ष छूट दी जाती, ये भी सही है, ठीक है। 3 से 5 के कृषि पंपों में 7,500 यूनिट प्रतिवर्ष, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कथन यहां पर असत्य नहीं है, तो सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही कथन सत्य कथन है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन जानकारी देख लेते हैं। दिनांक 3/9/2019 की स्थिति तक कुल बीपीएल कनेक्शन की संख्या, बीपीएल कनेक्शन की संख्या कितना है, तो 19,77,840 है। सौभाग्य योजना के तहत दी गई बीपीएल कनेक्शन भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे कि यह सौभाग्य योजना है क्या,
लाया कब गया और इसका उद्देश्य क्या है और इसके एलिजिबल कौन है, बेनिफिशियरी जो होंगे, जो लाभार्थी होंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, चलिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यहां पर दिया गया है। राज्य में किस योजना के स्थान पर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लाया गया, तो उसका सही उत्तर है राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना। और सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए, राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना। चलिए, अब घरेलू उपभोक्ताओं पर आधारित कुछ प्रश्न है। उपभोक्ता जब आप कह लिए तो जाहिर सी बात है कंजप्शन रिलेटेड कुछ जानकारी इस इमेज में दी गई होगी। इस इमेज के आधार पर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं कि राज्य में विद्युत उपभोक्ता के संदर्भ पर निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर असत्य विकल्प का चयन करें। असत्य विकल्प का चयन करना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। वर्ष 2018-19 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 56 लाख से अधिक है, तो वर्ष ये 56 लाख से अधिक यहां पर आपको दिख रहा होगा, 56,10,000 है वर्ष 2018-19 के अंत तक। वर्ष 2017-18 की तुलना में ये 10.42% अधिक है। अब देखते हैं यहां पर क्या दिया गया है फैक्ट, 12.42%। तो ये कथन जो है वो क्या है, असत्य है, और इसलिए सही उत्तर भी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये असत्य कथन है। और इस इमेज पर नजर डालते हैं, यह परिवहन एवं संचार पर आधारित है, ठीक है। वर्ष 2019-20 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में परिवहन रेल के अलावा क्षेत्र का वृद्धि प्रतिशत है, वृद्धि प्रतिशत की बात हो रही है और वह है 6.54%। सही उत्तर 6.54%। भूतल परिवहन, सड़क एवं पुल पर बात करते हैं। वर्ष 2018-19 में सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कितना हुआ, तो 3,128 किलोमीटर। ओवरब्रिज या अंडरब्रिज, 5 रेलवे ओवर अंडरब्रिज एवं 9 रेलवे ओवर ब्रिज अंडरब्रिज का कार्य प्रगति में है। वृहद पुल कितने, तो 62 एवं 141 नग वृहद पुल प्रगति पर रहे हैं। मध्यम पुल की संख्या 31। कुल राशि इन सब में तो 7,316.87 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध 4,366.61 करोड़ व्यय किया गया है। चलिए कुछ हम बात इस पर ये हम देख लेते हैं। इस इमेज में भी सड़कों की लंबाई दी गई है, इस इमेज में 2019 मार्च की स्थिति तक। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3,526 किलोमीटर, राज्य मार्ग की लंबाई तो 4,176 किलोमीटर, मुख्य जिला मार्ग की लंबाई तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा होगा 11,501 किलोमीटर, ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग की लंबाई तो 13,729 किलोमीटर। इस प्रकार से सड़कों की कुल लंबाई मार्च 2019 की स्थिति तक कितनी थी, तो 32,932 किलोमीटर। क्लियर है, क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, आपको मैच द फॉलोइंग करके ये क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, तो 3,526 किलोमीटर, तो ए का 1 सही उत्तर ऑप्शन है। राज्य मार्ग की लंबाई 4,176 किलोमीटर और मुख्य जिले मार्ग की लंबाई 11,501 किलोमीटर, सी का 3। क्लियर है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस इमेज पर नजर डालते हैं, वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर आधारित है। वर्ष 2018-19 में माह सितंबर 18 तक कितने वाहनों का रजिस्ट्रेशन है, तो 2,53,233। 31 मार्च 2019 तक कितना है, तो 5,81,903। और वर्ष 2019-20 में माह सितंबर 19 तक कितना है, 2,85,488। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन फिर भी दिया गया था तो थोड़ा सा नजर डाली ले, और पूछा भी जाएगा अगर, तो 2019-20 में माह सितंबर 19 तक का ही पूछा जाएगा, ठीक है। दोपहिया मोटर वाहन जनसंख्या का 15.6%, चरपहिया वाहन जनसंख्या का 2.2% परिवार रखा हुआ है जनगणना 2011 की। और बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट नहीं है, फिर भी चलिए समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं थे, और जितने थे वो हमने देख लिए, ठीक है। रिमेनिंग चैप्टर्स पर आधारित वीडियो आपको आगे मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।